Hello student, welcome to BDSK online classes. I study class 12, topic है continuity and differentiability. Student, हम लोगों ने इसके previous video से differentiability को start किया है. आज हम exercise 18.5.6 जिसमें हम differentiability के parametric form को करेंगे. Study की parametric form की study करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पैरामेट्रिक चॉइस करना है, फिर पैटर्न पैरामेट्रिक चूज करने के बाद हमें क्या करना होगा, उस पैरामेट्रिक के थ्रू डिफरेंशिएशन करना होगा. फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैरामेट्रिक के रिस्पेक्ट में जो हमने डिफरेंशिएशन किया उसका डिवाइड करना होगा. तो आइए प्रॉब्लम नंबर लेते हैं 5. सोल्यूशन है हमारा 5, जो कि एक्सरसाइज इसकी है 5.6 के लिए. चलिए, तो गिवन है, गिवन यस इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा. यहां थीटा इज अ पैरामीटर, थीटा इज अ पैरामीटर, थीटा इज अ पैरामीटर. तो हमें डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में. तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट. चलिए डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा कॉस 2 थीटा, ठीक है? इसी तरह सेकंड इक्वेशन के लिए डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी वाई डी थीटा साइन थीटा माइनस डी वाई डी थीटा साइन 2 थीटा. डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, ठीक है? ये हमारा फंक्शन ऑफ द फंक्शन है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे 2 थीटा को t में मानना होगा. चलिए लेट 2 थीटा इज इक्वल टू t, तो बाय चेंज डी बाय डी t cos t डी बाय डी थीटा 2 थीटा. नाउ t इज इक्वल टू 2 थीटा डी बाय डी डी बाय डी थीटा साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस डी बाई डी आर साइन आर डी बाई डी थीटा टू थीटा. नाउ सॉल्व डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी बाई डी थीटा कॉस थीटा माइनस साइन टी यानी प्लस साइन टी यानी 2 थीटा इनटू फ्रॉम डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस डी वाई डी आर साइन आर का कॉस आर इनटू नाउ डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा. अब क्या करेंगे, फोर्थ मेथड का डिवाइड करेंगे.
4 डिवाइड 12। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, dx अपॉन d थीटा dy अपॉन d थीटा क्या हो जाएगा, d थीटा dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 sin थीटा 2 cos 2 थीटा। इस तरह से स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आया डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी थीटा से थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा माइनस अपॉन टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोगों ने पैरामेट्रिक फंक्शन पर ये प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व किया। अब हमारे पास नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है सॉल्यूशन 6 x इज इक्वल टू गिवन x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट थीटा माइनस साइन y a इन ब्रैकेट 1 प्लस cos इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। चलिए थीटा इज अ पैरामीटर इसमें, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा विद ए डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए डी बाय डी थीटा थीटा डी बाय डी थीटा साइन थीटा। नाउ डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए डी बाय डी थीटा 1 d by d theta cos theta, next dx upon d theta is equal to a 1 minus d by d theta sin theta का formula of my cos theta, और d by d theta a 0 plus d by d theta cos theta का minus sin theta। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन थर्ड एंड इसे सॉल्व करेंगे, तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू बाय माइनस ए साइन थीटा। तो फोर में थर्ड का डिवाइड करेंगे, फोर डिवाइड थर्ड, तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन dx y इज इक्वल टू माइनस a cos sin थीटा अपॉन a 1 माइनस cos थीटा, a से कैंसिल हो गया, d थीटा से d थीटा कैंसिल, तो आया dy by dx इज इक्वल टू माइनस 2 sin थीटा by 2 इनटू cos थीटा by 2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2 कैंसिल, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू आया माइनस cos theta by 2 upon sin theta by 2, यानी dy by dx की वैल्यू आ गई
क्वेश्चन नंबर 6 का, ये क्वेश्चन नंबर 6 था जिसे हम लोगों ने पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंस किया। अब हमारी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7। चलिए स्टूडेंट 7 में देखते हैं। 7 में हमारे पास गिवन है x इक्वल टू a cos t given x is equal to a cos t plus log 10 t by 2, ठीक है, और y is equal to a sin equation second equation first, ठीक है, थीटा की बजाय हम लिखेंगे टी इज द पैरामीटर, तो डिफरेंशिएटिंग इन रिस्पेक्ट टू टी वेरिएबल, ठीक है, यहां पैरामीटर टी। चलिए dx अपॉन dt इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट d बाय dt cos t प्लस d बाय dt log 10 t by 2. Now next में ds upon dt is equal to a cos t का होगा minus sin t plus d by dr log r d by dx tan x by 2. Next step ds upon dt is equal to a minus 90 d by dr log r common upon r 10 t by 2 into d by d u 10 u d u by dx, u की वैल्यू हम लोगों ने सब सोच लिया है x upon 2। Now dx upon dt is equal to a minus 90 plus 1 upon 10 t को लिखेंगे 40 by 2 into d by d into 10 u का हो जाएगा sec square u की वैल्यू है x by 2 into 1 upon, ठीक है, ds upon dt is equal to a minus sin t plus 40 को हमने cos t by 2 upon sin t by 2 multiply 1 upon cos square t by 2, एक cos से cos cancel, तो dx upon dt is equal to I minus 90 plus 1 upon 2 sin t by 2 into cos t by 2 formula हो गया 1 upon sin t। सॉल्व करेंगे तो dx upon dt is equal to a in bracket sin t 1 minus sin a square, तो a dx upon dt is equal to a cos square t upon sin t, equation, ठीक है। अब हम equation second का करेंगे, y is equal to क्या है, a sin t dy by dt is equal to a d by d sin t. Now dy by dt is equal to a d by dt sin t का cos t। अब क्या करेंगे,
फोर्थ में थर्ड को डिवाइड करेंगे, फोर्थ में थर्ड को डिवाइड करेंगे। तो ये स्टार्ट में लिखते हैं, तो डी एस डी वाई बाई डी अपॉन डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू ए कॉस अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन। नाउ ए से ए कैन सी बी टी से बी टी कैन सी डी वाई बाई डी एस इज इक्वल टू ए कॉस टी मल्टीप्लाई साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर वन से वन कैंसिल इज इक्वल टू ए साइन टी अपॉन कॉस। ठीक है, तो वैल्यू आ गई ए टेन। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर सेवन को देखा। अब एट में आइए, एट हमारे पास इवन है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर एट। ठीक है, जिसमें इवन है, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन एट, given है yes is equal to a sec theta and y is equal to b tan second equation first theta is a parameter so respect to theta b है। चलिए d upon d theta yes is equal to a d by d theta sec. Now ds upon d theta is equal to a d by d theta tan theta is equal to sec. Now, dy by d theta is equal to d, dy d theta tan. Formula dy by d theta is equal to d, dy d theta tan theta ka sec square. Dividing 4 by 3. dy by d theta upon dx by d theta b sec square theta upon a sec theta into tan theta. Now sec to sec cancel, d theta sec theta cancel, dy by dx is equal to b multiply 1 upon cos theta. Now a multiply 1 upon 10 by 15 sin theta upon cos theta. Cos to cos cancel. ठीक है, dy by dx is equal to b upon a. ठीक है, 1 upon sin theta. Now answer was dy by ds is equal to b upon a 1 upon cos sin theta over a cos sec theta. इस तरह से स्टूडेंट आज के वीडियो में हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 5, 6, 7, 8 यानी तो चार प्रॉब्लम्स को देखा। इन चार प्रॉब्लम की विशेषता क्या थी, मतलब इन चारों में क्या था कि सभी पैरामेट्रिक फॉर्म में थे और सभी में पैरामेट्रिक को चूज करना है। जब पैरामेट्रिक चूज हो जाए तो उस पैरामेट्रिक के थ्रू डिफरेंशिएशन करना है,
और फिर dy by d theta में dx by d theta का डिवाइड करना है, फिर हमें फाइंड हो जाएगा dy by ds, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम इजी होगी और सॉल्व होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।